हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। आज फिर से एक नया वीडियो और नए विषय। हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। जिस तरीके से आप लोग का एक सपोर्ट रहा, एक लगाव था, जिस तरीके से आप लोगों ने चैनल को किस पोजीशन से कहाँ पे लाके डाला, तो एक नई नई चीज़ें आप लोगों के लिए जो कि एक लाइफ के लिए ज़रूरी होती हैं, उन चीज़ों का डिस्कशन कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। आज फिर से एक नया वीडियो और नए विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। लाइफ के लिए एक हमारे बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है, वो ये होती है, चाहे हम सक्सेस के पॉइंट पर हों चाहे हम फेलियर के पॉइंट पर हों, लेकिन एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो होता है सेल्फ कंट्रोल। अपनी भावनाओं को, अपना जो एक एक्साइटमेंट है, उन चीज़ों पे कंट्रोल होना। चाहे आप सफलता पे हों, आपको सफलता मिली हो, चाहे आपको फेलियर मिला हो, या लाइफ के और भी बहुत सारे मूवमेंट होते हैं, अगर सफलता फेलियर से अलग भी कई सारे मूवमेंट होते हैं, ऐसी सारी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे अपनी भावनाओं का, अपना जिसको एक मेंटल कंट्रोल कहते हैं, उस कंट्रोल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे उसको सक्सेस फेलियर से जोड़ा जाए, चाहे उसको जो है सुख दुख से जोड़ा जाए, दोनों केस में अपनी भावनाओं का अपने ऊपर कंट्रोल होना बहुत ही ज़रूरी है। एक बैलेंस माइंड जिसको कहते हैं, चाहे वो सुख के पल हों, तब भी आपको अपने आप में बैलेंस रखना है, कूल रखना है। चाहे वो दुख के पल हों, दुख का टाइम हो, चाहे फेलियर का टाइम हो, वहाँ पे भी अपने आप को बैलेंस, अपनी मानसिकता पे बैलेंस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ लोगों को देखा जाए कि बहुत सारी बड़ी से बड़ी सक्सेस, बड़ा से बड़ा दुख, या कोई भी चीज़ हो, चाहे वो सुख का हो चाहे दुख का हो, एक जैसे होते हैं ना, उनके ऊपर किसी सुख का असर होता है ना दुख का असर होता है, बिल्कुल एक तरीके के बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन पे होते हैं। वहीं पे कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी एक्साइट होकर के घबरा जाना, परेशान हो जाना, कोई वर्क आप कर रहे हैं अगर उसमें सक्सेस नहीं मिल रही तो उससे बहुत जल्दी से घबरा जाना, या दूसरे मूवमेंट होते हैं। आप जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं तो आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके होंगी, भले ही वो मेन लाइफ की ना हो, साइड की चीज़ें हों, छोटी मोटी चीज़ें होती, लेकिन आदमी का जिसको कहते हैं घबरा जाना, परेशान हो जाना, ये सारी चीज़ें जो घटनाएं होती हैं, ये सारी चीज़ें जो है हमारे एक सेल्फ कंट्रोल, अपनी मेंटेलिटी पे, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल पे डिपेंड करती है, किस तरीके से आप उनको अपने आप को बैलेंस रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं। तो ये इस चीज़ का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी आप वर्क कर रहे हैं, इसी से रिलेटेड एक चीज़ आती है लाइफ में, पेशेंस। कोई वर्क आप कर रहे हैं, आपके टाइम आपके अनुकूल नहीं है, समय आपके अनुकूल नहीं है, आप प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय आप अपने आप को कूल रखिए। या उसका उल्टा अगर देखा जाए, कोई वर्क आप कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छी सफलता मिलती जा रही, हो सकता है कि आप जितना वर्क कर रहे हैं उससे अच्छी सफलता आपको मिल रही हो, जिसको एक लक फैक्टर के आप तो वर्क तो कर ही रहे हैं, आपका लक भी आपके साथ वर्क कर रहा है, तो हो सकता आप जितना वर्क कर रहे हो उससे अच्छी सफलता आपको मिल रही हो। तो ऐसी पोजीशन पे भी अपने आप को बैलेंस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, अपने माइंड को कूल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके लिए एक बहुत बड़ी बात जो है महात्मा गांधी जी ने कही थी कि जब आपका अभिमान, आपका गर्व आप पे ही हावी हो रहा हो, तो हमेशा अपने से अच्छे लोगों के विषय में सोचिए, अपने से ऊपर वालों के विषय में सोचिए कि जो आपसे भी ऊपर हैं, चाहे पढ़ाई की सक्सेस हो, चाहे बिजनेस की सक्सेस हो, चाहे जो यूट्यूब पे वर्क हो रहा है इसकी सक्सेस हो, तो आप अपने से ऊपर वालों के विषय में सोचिए कि आपके लिए अगर ये चीज़ हासिल हुई है तो हमसे भी बड़े लोग हैं जो ये हासिल कर रहे हैं, तो वो कैसे बैलेंस हो रहे हैं। और अगर आपको कहीं पे फेलियर मिल रही हो, दुख का टाइम हो, तो आप अपने से नीचे वालों को सोचिए कि जो हम जिस पोजीशन पे हैं, चलिए हमें उतनी अच्छी सक्सेस नहीं मिल रही है, लेकिन जो हमसे भी नीचे हैं वो कैसे उस चीज़ को डाइजेस्ट कर रहे हैं। तो जब भी आपका अभिमान, आपका गर्व आपके ऊपर हावी हो रहा हो, तो आप अपने से ऊपर वालों के विषय में सोचिए। और जब आप
फेलर हों या वो सक्सेस आपको ना मिल रही हो, दुखी हो रहे हों, तो आप अपने से नीचे वालों के विषय में सोचिए। एक बात, एक मुहावरा कहा जाता है, कहावत कही जाती है कि दुनिया में कितने गम हैं, मेरा गम सबसे कम है। कोई भी चीज़ आपके ऊपर अगर कोई ट्रेजेडी हुई है, कोई भी चीज़ आपके ऊपर ऐसा अगर हुआ है, तो आप अगर दुनिया की थोड़ा वाइड नज़र से देखेंगे तो ये देखेंगे कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे ज़्यादा उनको उसी फील्ड की, जिस फील्ड की आप देखेंगे उसकी प्रताड़ना उनको मिली होगी, उससे ज़्यादा उनको कष्ट मिला होगा, तो वो कैसे उस चीज़ को डाइजेस्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें वो पॉइंट्स होते हैं कि अपने दिमाग को, अपनी भावनाओं को किस तरीके से कंट्रोल रखा जाए, तो आप सफलता के चाहे चरम बिंदु पे हो, सफलता हासिल कर रहे हों, चाहे आपको कोई दिक्कत हो रही हो, दुख हो रहा हो, दोनों केस में अपने आप का एक, अपने आप के बैलेंस का मतलब होता है एक मेंटल बैलेंस, उस चीज़ का बनाना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप आगे लाइफ में सर्वाइव कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। दोनों केसें आपके लिए डिस्टर्बिंग होंगी। जैसे समस्याओं के विषय में कहा जाता है कि समस्याएं सबके ऊपर आती हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं उसी में निखर जाते हैं, कुछ लोग होते हैं उसी में बिखर जाते हैं। तो अगर आप चाहे वो सक्सेस हो, चाहे फेलियर हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, अगर दोनों से आप डिस्टर्ब हो गए, परेशान हो गए, एक लिमिट ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए, तो दोनों चीज़ें आपको डिस्ट्रॉय करेंगी, क्योंकि लाइफ वहीं पे आपकी फिनिश नहीं होती है, लाइफ उससे भी आगे चलती है। तो अगर दोनों केस में आप बैलेंस करके चलेंगे तो डेफिनेटली वो चीज़ें, देखिए कोई भी टाइम जो है वो चेंज का होता है, कभी कोई टाइम ठहरता है, अगर दिन है तो रात होगी, रात है तो दिन होगा, सुख है तो दुख होगा, दुख है तो सुख होगा, सारी चीज़ें बदलती रहती। तो आज अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो कल अच्छे भी दिन आएंगे, ये सोच के, ये समझ के आदमी को अपने माइंड को बहुत ही बैलेंस रखना चाहिए, चाहे वो जैसी परिस्थिति हो, चाहे वो अच्छी परिस्थिति हो, चाहे वो खराब परिस्थिति हो। तो ये था फ्रेंड्स जिसकी आज चर्चा थी, जो विषय था कि एक सेल्फ कंट्रोल, अपने आप का कंट्रोल। जो लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप उसे, अगर जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है या सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आप लोग कमेंट पे प्लीज़ ज़रूर बताइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट पे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।